हेलो माय डियर फ्रेंड्स फ्रॉम गुरु तेग बहादुर स्कूल। तो आज हम एक्सरसाइज 4.1 से फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है ना वो बनाना है, ए बी सी डी नाम का। तो उसमें ए बी 3 सेंटीमीटर चाहिए, बी सी 3.8 सेंटीमीटर चाहिए, सी डी 4.2 सेंटीमीटर चाहिए और जो डी ए है वो 3.5 सेंटीमीटर चाहिए। साथ ही इसने कहा है कि जो डायगोनल है वो 5 सेंटीमीटर चाहिए, तो हमको एक क्वाड्रिलेटरल बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 3 सेंटीमीटर लाइन बना लेते हैं यहाँ से, ये 3 सेंटीमीटर बन गई। अब हम सी पॉइंट निकालेंगे पहले, ठीक है। तो सी पॉइंट निकालना है तो पहले ये डायगोनल बनाते हैं 5 सेंटीमीटर की, ए से सी तक 5 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ से हम ऐसे रख के ये आर्क लगा देते हैं। अब ये 3.8 है, बी से सी तक 3.8 है, तो यहाँ से हम 3.8 खोल लेते हैं। ये हमने खोल दी और ये मैंने आर्क लगा दी। अब आपको ये लाइन बना लेनी है, ठीक है। तो ये मेरी बन गई, ये थी ए, ये थी बी और ये है सी। ये 3 सेंटीमीटर थी, ये 3.8 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। अब हमको डी पॉइंट बनाना है, तो ए से डी बनाएंगे 3.5 का। ए से डी हमको 3.5 बनाना है। ये मैंने 3.5 खोल ली और यहाँ से ऐसे आर्क लगाई मैंने, ठीक है। अब आपको 4.2 खोलनी है, सी और डी बनानी है, तो आपको यहाँ से 4.2 खोलनी है और यहाँ सी से रख के यहाँ आर्क लगानी है, ठीक है। तो ये मेरा हुआ नहीं, थोड़ी सी और बनानी पड़ेगी 3.5 खोल के, फिर से बना देते हैं यहाँ से रख के। ये मैंने बना दी, ठीक है। अब आपको ये पॉइंट जो है जहाँ से कट हुई है आर्क से, आर्क वहाँ से ऐसे लगानी पड़ेगी। तो मैंने लगा दी, ये हमारा डी पॉइंट आ गया। अब आप मेज़र लिख दीजिए, इसके 4.2 थी ये और ये थी 3.5 सेंटीमीटर। तो ये मेरा बन गया। अगले क्वेश्चन में मिलेंगे सेकंड क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।